नमस्कार साथियों, फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन वाले व्यक्ति के 8 लक्षण, इन लक्षणों को कैसे पहचाने। तो ये जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये 8 लक्षण बताएंगे, तो यदि किसी व्यक्ति में आपको 8 लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि व्यक्ति जो है तनाव में चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है। और आज हम जानेंगे ये 8 लक्षण कौन से होते हैं जिससे आप सामान्यतः डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें जिससे सही जानकारी आपको मिल सके, पूर्ण जानकारी आपको मिल सके। देखिए, अधूरा ज्ञान कभी ना लें, जब आप वीडियो को पूरा देखें तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन वाले व्यक्ति के जो 8 लक्षण होते हैं उसमें नंबर 1 पे आता है दूसरों से बात करने में दिक्कत। यानी कि जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होता है, जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है, वो दूसरों से बात करने में दिक्कत महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति या तो बात ही नहीं करेगा, यदि बात करने की उस कोशिश भी करेगा तो बात नहीं कर पाएगा। और ऐसा व्यक्ति शर्मालू टाइप का होता है। आपके पास यदि ऐसा व्यक्ति बैठ भी जाएगा तो बात नहीं करेगा, चुप बैठा रहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति को किसी से बात करने में दिक्कत होती है या बात नहीं करना चाहता तो समझ जाइएगा ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन से पीड़ित है। नंबर 2 होता है चिड़चिड़ापन। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो डिप्रेशन से पीड़ित होता है उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो हर चीज़ से कटा कटा सा रहता है, उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो देखिए, चिड़चिड़ापन जो है वो इतना हद तक चला जाता है कि वो टीवी सीरियल देख रहा है तो वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा। म्यूजिक वो सुन रहा है तो उसको चिड़चिड़ापन के कारण वो म्यूजिक का आनंद नहीं ले पाएगा। और मूवी देख रहा है, मूवी नहीं देख पाएगा, ना कहीं घूमने की उसकी इच्छा होगी। वो हर चीज़ से कट जाता है, मतलब चिड़चिड़ेपन के कारण वो कट जाता है। तो समझ जाइएगा यदि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है तो वो डिप्रेशन का शिकार है। नंबर 3 पे आता है समस्याओं को हल करने में दिक्कत। जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होता है वो समस्याओं को हल करने में उसको दिक्कत होती है। अगर छोटी छोटी समस्याएं भी उसके सामने आती हैं, जो डेली रूटीन की समस्याएं होती हैं, तो वो उनसे भी हड़बड़ा जाता है और उसको इतनी दिक्कत होती है, वो उसको यही लगता है कि ज़िंदगी कितनी नीरस है। तो ऐसे व्यक्ति समस्याओं को हल करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। मान लीजिए छोटे छोटे जो काम होते हैं, रूटीन के काम भी होते हैं, जैसे बाज़ार से सब्जी लानी है, बाज़ार से दूध लाना है, बाज़ार से कपड़े खरीद के लाने हैं, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी समस्या के रूप में लेता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समस्याओं को हल करने में दिक्कत महसूस करते हैं। अगला पॉइंट आता है नंबर 4, हड़बड़ा जाते हैं। तो जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए हड़बड़ा जाते हैं, और उनको छोटे छोटे कार्य करने में भी हड़बड़ाहट महसूस होती है। मान लीजिए डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को बाज़ार से सब्जी लानी है तो वो हड़बड़ाहट का सामना करेगा। सब्जी लेने भी जाएगा तो हड़बड़ाहट में सब्जी लेके आएगा, सब्जी वाले से बात करेगा हड़बड़ाहट में करेगा, और वो भूल जाएगा कि उसको क्या कार्य करना है। छोटे छोटे कार्य करना भूल जाते हैं ऐसे व्यक्ति, जैसे पेस्ट करना, नहाना धोना, इवन कभी कभी तो कपड़े पहनना भी भूल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ज़्यादा हड़बड़ाते हैं तो समझ जाइएगा कि ऐसे व्यक्ति तनाव में हैं या डिप्रेशन में होते हैं। अगला पॉइंट होता है नंबर 5, सॉरी फील करते हैं। तो जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो वो क्या है, जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बात पे सॉरी बोलेंगे, पढ़ रहे हैं तो टीचर से बात पे सॉरी बोलेंगे, कहीं रिलेशन में जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ बैठते हुए भी सॉरी, खाते पीते हुए भी सॉरी। तो जो ज़्यादा सॉरी फील करते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं। तो ज़्यादा सॉरी करने वाले जो व्यक्ति हैं आप समझ जाइए कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं। अगला पॉइंट आता है जो नंबर 6 पे आता है, वो बातों को रिपीट करते हैं। तो जो देखिए, जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होती हैं वो बातों को बार बार दोहराता है, एक ही बात को बार बार दोहराएगा। तो जो व्यक्ति बातों को बार बार दोहराता है तो देखिए वो डिप्रेशन का शिकार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिक्षक वर्ग या मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं वो भी बातों को रिपीट करते हैं। जैसे तो ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के ही शिकार हों, तो जो शिक्षक हैं यदि वो रिपीट करते हैं तो देखिए वो तो उसका प्रोफेशन है। बट जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है वो छोटी छोटी बातों को ही बार बार दोहराएगा। जैसे मम्मी से अगर खाना मांग रहा है ऐसा बच्चा तो बार बार खाना मांगता रहेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो रिपीट करता है। अगला पॉइंट आता है नंबर 7, आत्मसम्मान कम, सेल्फ इस्टीम कम होती है। तो देखिए, जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके अंदर आत्मसम्मान नहीं होता है, उसका आत्मसम्मान बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है, सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण थे, इसको समझिए। यदि कोई डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है और उसकी किसी ने मतलब क्या कहते हैं पिटाई कर दी है या उसके साथ मारपीट कर दी है,
तो भी ऐसा व्यक्ति उसी के पास चला जाएगा दोबारा से, मतलब उसको कोई आत्मसम्मान की कद्र नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान जो होता है बहुत कम होता है, वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है नंबर 8, कॉन्फिडेंस कम। तो जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वो किसी भी चीज़ को करने के लिए, जोखिम तो दूर की बात है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम होता है उनके अंदर कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाते, उन्हें भरोसा ही नहीं होता है कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे कोई विद्यार्थी है और वो डिप्रेशन में चल रहा है, पढ़ता भी काफ़ी है, मेहनती भी काफ़ी मेहनत करता है, पर अगर वो डिप्रेशन में है तो उसको इतना उसका कॉन्फिडेंस कम होगा कि उसको खुद नहीं लगेगा कि वो एग्ज़ाम भी पास कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति का ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम रहता है तो आप समझ जाएं कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। तो साथियों, आज हमने अपनी वीडियो के माध्यम से जाना डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के 8 लक्षण क्या होते हैं। तो दूसरों से बात करने में दिक्कत, चिड़चिड़ापन, समस्याओं को हल करने में दिक्कत, हड़बड़ा जाना, सॉरी फील करना, बातों को रिपीट करना, आत्मसम्मान कम होना और कॉन्फिडेंस कम होना। तो यदि ये लक्षण किसी व्यक्ति में है तो समझ जाइएगा कि वो डिप्रेशन से पीड़ित है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।